बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, यहाँ पर बज रहे हैं दिन के 11:30 और जनेश पापा ने उठा के मुँह हाथ धोने भेजा है और इसके बाद मैं काम शुरू करूँगी। आज मैंने बहुत दिनों बाद यहाँ की खिड़की खोली है तो मौसम जो है हमारा बहुत अच्छा हो गया है। अब दोबारा मतलब कराची में सर्दी आके नहीं दे रही, बस जो कल बारिश हुई है उसके बाद थोड़ी ठंड हुई है, उसके बाद फिर वही हाल। काफ़ी स्पेस है, हवा जो है बहुत ही अच्छी आती है यहाँ से, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि गर्मियों में भी हमें परेशानी नहीं होगी। नहीं बेटी, अब बस क्यों? हाँ, बारिश की वजह से आपका मदरसा बंद था। चलो आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। बताओ क्या लाना है? चीनी का पराठा ले आऊँ, अंडा पराठा लाऊँ, ब्रेड लाऊँ, जैम ले आऊँ बटर के साथ, पिंक वाला शरबत ले आऊँ? चलो सही है, मैं अभी नाश्ता लाती हूँ 2 मिनट में, ठीक है? तो जो किचन जो है ना, मैंने रात को ही साफ़ सुथरा करके रख लिया था, तो बड़ी हैप्पी हैप्पी लगता है जब किचन आपका साफ़ सुथरा हो। अच्छा, ये गोभी जो है ना, 2 दिन हो गए मुझे लाए हुए, गोभी आलू। और सबसे पहले तो मैं बना लेती हूँ नाश्ता। और अब हम करेंगे यम्मी सा नाश्ता, तो मिलती हूँ आपसे नाश्ते के बाद। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आज गोभी बनाऊंगी, और गोभी जो थोड़ी मुख्तलिफ तरीके से बनाऊंगी। ये भी बहुत आसान और कम मसालों से बनेगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने ये गोभी को अच्छे से काट लिया है, और ये 2 दिन पुरानी थी तो थोड़े से काले काले हो गए थे, तो मैंने वो हिस्सा निकाल दिया। और अब मैं जो है ना, इसको उबलते हुए पानी में छोड़ दूंगी 2 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पानी उबाल लिया है, और उबालने के बाद इसको चूल्हे को मैंने कर दिया है बंद। और अब मैं इसमें जो है इसको डाल दूंगी, और इसको मैं हल्का एक दफ़ा मिला लेती हूँ ताकि ऊपर नीचे हो जाए सारे। इसको मैं 2 मिनट बाद देखती हूँ। तो जी, यहाँ पे मैंने गोभी को निकाल लिया है पानी से, उबले हुए पानी से, और उसको धो लिया है मैंने। और ये जो है आलू है, मैंने देखे दरमियाने साइज़ के कट किए हैं। अच्छा, यहाँ पे प्याज मैंने मोटा मोटा रफली जो है इसको काट लिया है, और अब जो है ना, मैं इसमें डालकर इसको और बारीक चॉप कर लूँगी। इसको अच्छे से चॉप कर लिया है, अब हम शुरू करते हैं। जी, ऑयल हो चुका है गरम, इसको मिला लेते हैं। तो प्याज हो चुके हैं ब्राउन, अब इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको मैं मिला लूँगी। डाल देंगे हम इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, सालन मसाला, लाल देगी मिर्च, और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी हमने नमक इसमें शामिल नहीं किया है, पानी इसलिए डाल रहे हैं कि मसाला ना जले। इसको हमने अच्छे से भून लिया है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको भून लिया है इसमें। अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर आलू, तो इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद हम इसके अंदर अब डाल देंगे नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे। इसके अंदर मैंने नमक अच्छे से मिला लिया है, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। ये तकरीबन 1/2 कप पानी है, और इस 1/2 कप पानी में ही गोभी और आलू जो है गल जाएंगे। आप इसको हल्की आँच पर रखें, तो मैं इसको देखती हूँ 5 मिनट बाद। आपको मालूम है कि जर्नेश भी मेरी मदद करती है जब घर पे होती है। तो अब देखें आप, छोटे छोटे बर्तन वो धो रही है। और वैसे भी ना, बच्चों को ऐसी हेल्दी एक्टिविटी में लगाए रखना चाहिए। मैं अपने साथ इसको बेलन दे देती हूँ, इसका छोटा सा बेलन है, वो ये अपने रोटियाँ बना लेती है मेरे साथ। कभी ये बर्तन धो रही होती है मेरे साथ, कभी मेरे साथ मसाले पकड़ा रही होती है। ये मेरी बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी शहजादी है मेरी, शहजादी है प्यारी प्यारी। तो चले, अब हम तारीफ हो गई है जर्नेश की, अब थोड़ा सालन देख लें। तो जी, सालन जो है पक रहा है, तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद में देख रही हूँ इसे। और अब जो है ना, मैं इसके अंदर हरी मिर्च डाल दूंगी, हरी मिर्च का टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार आता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला, और मैं डालूंगी इसके अंदर कसूरी मेथी। जी, तो गर्मा गर्म हमारी आलू गोभी तैयार है, और आप भी बनाएं और बताइए कैसे बना आपका, और आपको ये कैसा लगा।
जर्निश की बर्थडे की मैक्सी। अब आई क्या लाई है आपके लिए? ये तो मम्मा लाई हैं। बाल देखो कितने बिखरे हुए हैं। वाओ क्या खूबसूरत फ्रॉक है ये भी। हाँ जरीश का वाइट फेवरेट है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। जी तो बेटियाँ मेरी आ चुकी हैं और मैं उनके लिए अब खाना ले जा रही हूँ। मैं भी खाऊंगी अब। कैसा बनाए खाने बता, कैसा बनाए? हानी सब्जी नहीं खाती और आज इसने आलू को भी पेट भर कर खाया। और जरनेश आप बताओ। तो भाई मैंने अपने लिए तो रोटी बनाई है और बेटियों के लिए पराठे। अब लाया हूँ ना, और पीनट ना, पीनट नहीं खाती अम्मी। खाती है तो फिर इतने सारे लाए। सर्दियों में पीनट का अपना मजा है यार। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।